माँ, क्या दीदी की शादी की बात छेड़ने के लिए कोई अच्छा सा दिन देख रही हो? हाँ बेटी, एक बात कहूँ माँ। कहो। ये जो हमारा किराएदार राज है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहो माँ। वो तो हीरा लड़का है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कैसा रहेगा माँ अगर हम दीदी की शादी उससे करते हैं? ये कैसे हो सकता है? राज को भी तो ये रिश्ता मंजूर होना चाहिए। दीदी का नसीब बहुत अच्छा है माँ, मेरा दिल कहता है वो जरूर मान जाएगा। माँ वो खुद ही आ रहे हैं, जरा बुला के पूछो तो सही। राज बेटा, जरा इधर आना तो। बैठो। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे चाचा दिल्ली में रहते हैं, जरा उनका पता तो लिखवा दो। इनसे तो पूछ लो माँ, पहले इनकी मंजूरी चाहिए, बाद में इनके चाचा जी को भी लिख देंगे। मंजूरी? माँ की इच्छा है कि आप इसी घर के होकर रह जाए, इसलिए माँ आपसे पूछना चाहती थी कि आप गीता का हाथ मंजूर करेंगे? शर्माओ नहीं बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ कह दो। राजबाबू, मेरी दीदी सुंदर है, सुशील है, सियानी है, इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ कह दीजिए ना। बेटा तुम चुप क्यों हो? माँ इनके चुप रहने में ही हाँ है, बस समझ लो इनकी तरफ से कोई इनकार नहीं। नहीं बेटी, जब तक ये खुद अपनी जबान से न कहें कैसे मान लूं? राजबाबू, ऐसी कौन सी सोचने की बात है, बोलिए ना, बोलिए राजबाबू। देखिए, आप जैसा चाहे कीजिए। मां तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। दीदी कितने अच्छे नसीब है तुम्हारे, मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। मां इस पर दस्तखत कर दो। कैसे कागज है? मकान गिरवी रखना है ना, नहीं तो दीदी की शादी के लिए रुपया कहां से आएगा?